जोहार सभी को, हमारे इस नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग निकल रहे हैं दीदी की शादी के पार्टी के लिए। हम लोग तैयार होके सब आराम से निकल रहे हैं। बारिश हो रही थी तो थोड़ा लेट से निकले हैं। अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, तो पहुँच गए फूफू के घर और इधर बैठे हुए हैं सब आंगन में। अंदर बहुत भीड़ है तो थोड़ा सा वेट करिए बोल रहे हैं अंदर। इधर सजावट चल रहा है मंडप का, यहीं पे शादी हो गया दीदी का। सुबह को शादी है और इधर हम लोग नाश्ता के लिए घुस के अंदर। इधर मुनी नाश्ता मिल रहा है, रेनिल को भी मिल रहा है। देखिए एकदम कैसे बैठ गया है। और नाश्ता वास्ता होने के बाद सब लोग बाहर में ऐसे ही बातें कर रहे हैं सबसे इधर। तो चलिए अंदर का कैसा सजावट है देखते हैं। चलो। वाह, फूलों से कितना सुंदर सजाया हुआ है जैसा लग रहा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। बहुत सुंदर लग रहा है साज यहाँ का डेकोरेशन। और इतना बड़ा सा ग्राउंड में देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वेदर भी कितना अच्छा हुआ है। और ये देखिए, वाह, यहाँ पे देखिए फवारा लगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। इधर हो इतना बड़ा सा ग्राउंड में पार्टी दिया गया है, बफर सिस्टम है। तो इधर हम लोग का आइसक्रीम चल रहा है, देखिए कैसे खुशी से हम इतना बड़ा बड़ा दांत दिखा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। इधर सर्दी हो रहा फिर भी लगे हुए आइसक्रीम खाने में। आइसक्रीम का मज़ा ले लिए, अब चलते हैं गुपचुप की ओर। देखिए गुपचुप में भी कितना भीड़ है, मेरे भाई के साथ हम दोनों लगे हुए। और इधर सब आने लगे खाने के लिए, इधर खाना भी मिलने लगा। और खाने पीने का प्रोग्राम चलता रहा, फोटो सेशन चला। इधर कुछ बाबू अपनी बड़ी मम्मी के साथ फोटो खिंचा रहा है। देखिए एक बाबू भी है, कैसे खा रहा आइसक्रीम, कहीं भी भाग जाता है ये बाबू। और इधर खाना खाने के लिए सब लाइन में लग गए हैं, सब अपना अपना प्लेट पकड़ो और लाइन में लगो। बोलता नहीं रहा है लेकिन ऐसा ही सिस्टम है। फिर इधर बैठ के भी खा सकते हैं, खड़े होकर भी खा सकते हैं, आपको जैसे खाने की इच्छा खा सकते हैं आराम से। और सब खाने में व्यस्त हैं, बड़ा सा ग्राउंड में खा रहा है सब लोग। बहुत अच्छा डेकोरेशन लग रहा है, एकदम खुले आसमान के नीचे आ रहा। रेनिल भी डिनर कर रहा है, इतना ज़्यादा आज तो खाना खा लिया बाबू। इधर सब मेरी मम्मी, भाई, जीजा, दीदी लोग भी खा रहे हैं। इधर हम लोग भी जो जो गए थे सब लोग, इधर दीदी दोनों बैठी है। और खाने में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, देखिए अब इधर दीदी भी आ गई है। मतलब कि दुल्हन कंट्री भी हो चुका है, सबकी नज़रें नई नवेली दुल्हनिया पर टिकी हुई है। सब उसके पीछे पीछे जाने लगे स्टेज की ओर, बहुत भीड़। आज तो उन्हीं का दिन है ना, तो देखने तो देखेंगे। फिर इधर हम लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा सा बाहर निकल लेते हैं, क्योंकि भीड़ में बाबू को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। फिर इधर आज की चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा और सांसद गीता कोड़ा जी आए। और तो दूल्हे राजा का स्वागत के लिए सभी लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाच गान कर रहे हैं उनका स्वागत के लिए। मतलब बाला दारम होता है हम लोग का आदिवासी लोगों में, ये चीज़ होता ही होगा हर ये में, नाचना गाना दूल्हा का स्वागत के लिए। बहुत खुश हैं सभी लोग, सभी दूल्हा को देखने के लिए उमड़े हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है और देखिए सब लोग पूरा लगे पड़े हैं नाचने में। तो यहाँ सब लोग वहाँ बाला लोग का वेलकम करने के बाद घर की ओर वापस आ रहे हैं। और
उनके पीछे पीछे लग रहा है कि दूल्हे राजा भी आ ही रहे होंगे लग रहा है, क्योंकि वो छाता देखिए, हाँ वहाँ दूल्हा ही है, ऊपर में है, अपने सालों के कंधे में आ रहे हैं जीजा जी आ रहे हैं दूल्हे राजा, देखिए पहुँच गए घर की ओर, तो पहुँच गए घर की ओर। तो दूल्हे राजा को घर की ओर ले गए और उनका स्वागत किया गया, वहाँ अंदर अंदर ले जा रहे हैं उनको, उसके बाद नाश्ता वास्ता दिया गया और हम लोग इधर बाहर में बैठे हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बाबू भी सो गया और इतना रात भी हो रहा था, तो फिर हम लोग सोचे चलो वापस चलते हैं, तो हम लोग फिर वापस घर की ओर आ गए और इधर प्रोग्राम चलता रहा, शादी सुबह था ना। थैंक यू फ्रेंड्स।